आपको यदि अच्छी सेहत चाहिए तो इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। जैसे आप सुबह उठते ही योग प्राणायाम करें और इसके साथ ही आप लाफ्टर योगा करें, जिससे आपकी सेहत चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त होगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए THDC अमेलिया कोल माइंस ने पार्क में लाफ्टर योगा करवाया, जिसमें शहर के वरिष्ठ नागरिकों ने भाग लिया। ये लाफ्टर योगा सिंगरौली के नेहरू पार्क में हुआ, जहां THDC अमेलिया कोल माइंस के अधिकारी डॉक्टर मनोज रांगड़ ने कहा कि पार्क में घूमने की जगह यदि लाफ्टर योगा किया जाए तो शरीर निश्चित रूप से स्वस्थ रहेगा और दिन भर अच्छा महसूस होगा। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता प्रवीण मिश्रा ने कहा कि कुछ दिनों से मुझे बुखार जैसा महसूस हो रहा था और मेरे बदन में भी दर्द था, लेकिन जब मैंने ध्यान योगा के साथ लाफ्टर योगा किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने पूरे दिन अच्छे से काम किया। तो मेरी आप सभी लोगों से विनती है कि आप लोग लाफ्टर योगा करें और अपने दिन को खुशनुमा बनाएं। लाफ्टर योगा का मेरा ये अनुभव रहा, पार्क में टहलने के लिए लोग तो रहते ही हैं, और आज की दुनिया में सारे लोगों के दिमाग में टेंशन भरा है, उस टेंशन से रिलैक्स के लिए सबसे बढ़िया माध्यम है लाफिंग योगा, जिससे कि हम इस योगा करने के बाद जब से मैं कर रहा हूँ, ये 2-3 दिन से जुड़ा हूँ, उससे मुझे ऐसा लगता है कि मेरे शरीर में पूरा रिलैक्स मिल गया। मैं कल ही लूज मोशन और बुखार से पीड़ित था, लेकिन मैं आया, मेरे कुछ करने की शक्ति नहीं थी, लेकिन आपके सानिध्य में आकर मैंने उसके बाद किया, और इस योग के करने के बाद मैं पूरा तन मन से एकदम पूरे दिन अपने कोर्ट में काम किया। कोई भी व्यक्ति मुझे देख कर कहा ही नहीं कि मैं बीमार हूँ आज। तो इस प्रकार शरीर के लिए, मानसिक तनाव के लिए, हर प्रकार से ये हमें फायदा देता है, और मैं ये चाहूँगा कि सभी लोग इस लाफिंग योगा से जुड़े। पार्क में ऐसे लाफ्टर योगा होना चाहिए। आज इस काम काजी जिंदगी में लोग नेता हों, अधिकारी हों, कर्मचारी हों, आम आदमी हों, हर व्यक्ति परेशान है। तो ये जो है, आपने ये लाफ्टर योगा कराया, इससे पूरी इंद्रियां खुश होगी। लोग इतने, यहाँ तो लोग कर ही रहे थे, आसपास के लोग और जो घूम रहे हैं पार्क में, वो भी यही देख के इतना हंस रहे हैं, इतना हंस रहे हैं कि पूरी इंद्रियां उनकी हंस रही हैं। और ऐसा हमेशा होना चाहिए, और लोगों को जिंदगी में हंसना चाहिए, हंसते हंसते जीना चाहिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रीवा आगमन पर वंदन अभिनंदन। उनके द्वारा 17,000 करोड़ की लागत वाली परियोजनाओं की आधारशिला सहित पंचायती राज दिवस पर देश भर की ग्राम सभाओं को संबोधित किया जाएगा। उनके द्वारा 4 लाख से अधिक लाभार्थी को गृह प्रवेश कराया जाएगा। प्रधानमंत्री के रीवा आगमन पर बहुत बहुत बधाई। सौजन्य से वरिष्ठ पांडे, प्रदेश सह संयोजक सांस्कृतिक प्रकोष्ठ। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रुपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।